नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमपी झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमपी झारखंड न्यूज और मैं हूं आप सब लोग के साथ आलोक। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज जो बंधु तिर्की जो है वो कांग्रेस में शामिल होने के बाद पहली बार कांग्रेस ऑफिस जा रहे हैं, उसको उसके समर्थन में जन सैलाब जो निकला हुआ है, हुजूम लोगों का रोड पर निकला हुआ है। यहाँ पर प्रदीप यादव जो कि पौड़ियाहाट से विधायक है और बंधु तिर्की दोनों को साथ में देख सकते हैं, उनके समर्थन में हजारों कार्यकर्ता जो हैं, तमाम जो दूर दूर से मांडर से हों चाहे पौड़ियाहाट के हों, अलग अलग क्षेत्र से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो जैसा कि ये जन सैलाब आप देख सकते हैं, इनके समाज से लेकर जयपाल सिंह स्टेडियम से लेकर कांग्रेस ऑफिस तक ये जो जुलूस आप देख रहे हैं ये जाएगी यहाँ पर, और तमाम कार्यकर्ता साथ में यहाँ पर उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। ये जन सैलाब देख रहे हैं यहाँ पर बंधु तिर्की के समर्थन में जो सभी कार्यकर्ता आए हुए हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कि मांडर क्षेत्र से आए हुए हैं, ये सारे बाबू, चूँकि जो बंधु तिर्की हैं वो कांग्रेस की सब सदस्यता लेने के बाद पहली बार यहाँ पर कांग्रेस ऑफिस जा रहे हैं, उसको लेकर ये हजारों की संख्या में जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो जो कांग्रेस ऑफिस जा रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग हैं समर्थक में, यहाँ पर लोग जो कि हुजूम से उमड़े हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे जो ट्रैफिक भी बाधा चुकी हो रही है, लेकिन हजारों की संख्या में जो बंधु तिर्की के समर्थक हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं अपने नेता के, और साथ ही साथ यहाँ पर पौड़ियाहाट से विधायक प्रदीप यादव भी हैं उनके साथ में, जो कि जन समर्थन ये जुलूस में एक तरह से शक्ति प्रदर्शन कहा जा सकता है इसको, जो कि हजारों कार्यकर्ता की संख्या में मौजूद यहाँ पर लोग कांग्रेस ऑफिस में जा रहे हैं। Thank you.
सदस्यता लेने के बाद पहली बार पहुंचे, तो इस प्रकार से उनका कांग्रेस भवन में भी जोरदार स्वागत किया गया, नगाड़े और ढोल के साथ उनका और फूल मालों के साथ जोरदार स्वागत भी किया गया। तो और आइए सुनेंगे फिर क्या कुछ कहा प्रदीप यादव ने, बंधु तिर्की ने। पिछले दिनों अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में जेवीएम प्रजातांत्रिक का विलय कांग्रेस पार्टी में हो गया था और उसके बाद रांची महानगर कांग्रेस कमेटी, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी चाहती थी कि हम यहाँ आदरणीय बंधु तिर्की जी, आदरणीय प्रदीप यादव जी का एक स्वागत समारोह रखे, उसी के को सोच करके ये स्वागत समारोह रखा गया था। और हम समझते हैं कि आप लोग ज़्यादा आदरणीय प्रदीप यादव जी और बंधु तिर्की जी से बात करने के इच्छुक होंगे, उनका इस कांग्रेस भवन में हम लोग कांग्रेस पार्टी के तमाम ने प्रदीप यादव जी से कहूंगा और बंधु तिर्की जी से कि वो प्रेस को संबोधित। आलमगीर आलम साहब ने और प्रदेश अध्यक्ष ने लिखित रूप से भी विधानसभा अध्यक्ष को यह अवगत करा दिया है कि भाई हमने कांग्रेस में इनके विलय को स्वीकार किया है और अपनी सहमति दी है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि हम सब ने विगत 10 वर्षों में एक लंबी लड़ाई लड़ने का प्रयास किया है, कुछ मुकाम पहुंचे भी है, मुकाम अधूरा भी है। सबका पसंद नापसंद नहीं हो सकता, एक व्यक्ति सबके पसंद नहीं हो सकता। सुभाष चंद्र बोस उनके विरोध में आकर के अपना चुनाव लड़े, कई चीजें सामने थी। तो ये चीजें जब लोकतांत्रिक व्यवस्था रहेगी, जहाँ तानाशाह नहीं रहेगा वहाँ तो विचारों की भिन्नता रहेगी। भारतीय जनता पार्टी में तानाशाह है तो वहाँ विचारों की भिन्नता आपको थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन कांग्रेस है, कांग्रेस में लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो थोड़ी विचारों की भिन्नता रहेगी, पसंद नापसंद रहेगा। लेकिन मेरा यह प्रयास होगा कि हम सबकी पसंद बनने का प्रयास करें अपने प्रयासों से। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय राहुल गांधी को के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और इसके साथ साथ झारखंड प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय रामेश्वर उरांव जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं और सीएलपी के लीडर विधायक दल के नेता आदरणीय आलमगीर आलम जी और उनके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उन तमाम नेताओं का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। कांग्रेस पार्टी को आदरणीय प्रदीप भाई हम दोनों हैं, हम विश्वास के साथ यह कह सकते हैं कि एक कार्यकर्ता के रूप में ईमानदारी से काम करते हुए कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाएंगे और इसका जो भी हमारे पार्टी का समय समय पर जो निर्देश होगा उसको बिल्कुल ईमानदारी से हम लोग निर्वहन करेंगे, उसको पालन करेंगे। यही हम दोनों का और आज हम लोगों के यहाँ पर जो अभिनंदन किया गया इसके लिए सारे हमारे पूरे कांग्रेस पार्टी के टीम को हम लोग उनको ढेर सारे धन्यवाद देते हैं और उनके प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं। मैंने पहले ही कहा दिया कि कोई बात, हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में है, हम लोग कार्यकर्ता के रूप में हम लोग काम किए हैं, करते आ रहे हैं और आगे भी हम लोग करेंगे। पार्टी की जो जिम्मेवारी होगी, पार्टी का जो डायरेक्शन होगा, निर्देश होगा, उसके अनुसार किया जाएगा, लेकिन हम लोग पार्टी में किसी पद का लालसा लेकर के हम लोग नहीं आए। कांग्रेस पार्टी है और प्रदीप यादव जी और बंधु तिर्की जी जन नेता हैं, वो जनता के मुद्दे मसाइल को लेकर के यहाँ लड़ने आए हैं कांग्रेस पार्टी के साथ और कांग्रेस पार्टी में रह करके। कहीं कोई पद की बात नहीं है, पद तो इनको जनता ने ऑलरेडी दिया हुआ है, विधायक से महत्वपूर्ण पद शायद ही कुछ होता है। अगर पार्टी जब समय आएगा, जब इनकी ज़रूरत होगी तो निश्चित रूप से इनका पार्टी जहाँ भी सम्मान दे सकती है देने का काम करेगी।
तो इस प्रकार से आज बंधु तिर्की और प्रदीप यादव कांग्रेस भवन में अपना कदम रखे पार्टी सदस्यता लेने के बाद, और यहाँ पर इनका जोरदार स्वागत भी किया गया, हजारों कार्यकर्ता इनके साथ पहुँचे। और उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस भवन में इनका माला पहनाकर और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया, उससे काफ़ी उत्साहित भी दिखे। और बंधु तिर्की और प्रदीप यादव ने साफ तौर पर कहा कि वो एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में कार्य करेंगे, उन्हें किसी पद का कोई लोभ नहीं है। तो आने वाले दिन में देखना है, दिलचस्प होगा कि किस तरह से वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्य करेंगे। अपने सहयोगी के साथ मैं आलोक, SMP झारखंड न्यूज़ रांची।